When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. His friends too made fun of him. It was a day he wanted to erase from his life, and so he took to running. When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him. अब तरुण का पूरा ध्यान दौड़ने में था, तो जब तरुण अपने टर्मिनल एग्जामिनेशन हुए, बीच में तिमाही छिमाही परीक्षाएं हुई, उनमें तरुण फेल हो गया और उसके कारण तरुण के पिताजी बहुत नाराज हुए. हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम. उसके दोस्तों ने भी उसका खूब मजाक उड़ाया. इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग. और ये जो फेल होने वाला दिन था, साथ में पिताजी की नाराजगी और दोस्तों का मजाक उड़ाना, ये जो दिन था इसको तरुण अपने दिमाग से निकाल देना चाहता था, अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहता था. तो फिर वो दौड़ने चला गया, क्योंकि उसका यही तरीका था कि वो दौड़ के ही अपनी भावनाओं को बाहर निकालता था. ई रैन ऑल अराउंड द पार्क. और पार्क में गया दौड़ने के लिए, चारों तरफ चक्कर लगाते रहा. द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण. और काफ़ी धूप में दौड़ता रहा, सूरज चमक रहा था, सूरज के सामने भी तरुण ने दौड़ना बंद नहीं किया धूप में, और वो दौड़ता रहा. आफ्टर अबाउट एन आवर ही वॉज फुल्ली एग्जॉस्टेड एंड हिज फ्यूरी हैविंग सबसाइडेड ही थ्रीव हिमसेल्फ ऑन अ बेंच एंड स्टार्टेड टू पेंट. और फिर करीब एक घंटे बाद जब अच्छे से वो थक गया दौड़ते दौड़ते, तब उसका जो गुस्सा था वो थोड़ा साइड हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, और फिर उसके बाद उस गुस्से में दौड़ के उसने अपना ख़त्म किया और वहाँ पे अपने आप को एक बेंच के ऊपर उसने फेंक दिया, मतलब वहाँ लेट गया बेंच के ऊपर सुस्ताने के लिए. सडनली ही हर्ड अ वॉइस. वॉट इज इट्स सन. तभी उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ में किसी ने कहा कि ये क्या है बेटा. तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट एंड देयर सेट अ मैन ऑफ अबाउट 60. तो तरुण ने अपने बाई तरफ देखा तो देखा वहां पे करीब 60 साल की उम्र का एक आदमी बैठा है. आई फेल्ड इन टू सब्जेक्ट्स, तरुण रिप्लाइड इन अ डिप्रेस्ड टोन. तो तरुण उस आदमी को जवाब देता है कि मैं दो विषयों में फेल हो गया हूँ, और दुखी आवाज में वो जवाब देता है. द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड, Life is full of ups and downs, boy. By the way, I am Ram Narayan and you are one of the best runners I have ever seen. तो वो आदमी मुस्कुराता है, sympathetically smile देता है, सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराता है, उसके दुख में साथ देता है उसका, और बोलता है कि जो जिंदगी है वो full of ups and downs है, जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी हुई है बॉय, मेरे बच्चे. बाय द वे आई एम राम नारायण. फिर बोलता है कि चलो ठीक है, मैं राम नारायण हूँ और तुम जो हो वो बेस्ट रनर हो. अब तक मैंने जितने भी दौड़ने वाले लोग देखे हैं उनमें से तुम बेस्ट रनर हो. राम नारायण, राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु वन एन ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर रेस इन द 1960s? तो तरुण शॉक्ड हो जाता है थोड़ा. वो बोलता है राम नारायण, मतलब फेमस नाम है राम नारायण. तो तरुण सोचता है अच्छा ये कौन से राम नारायण है. तो बोलता है राम नारायण, राम नारायण, अच्छा आप वही राम नारायण हो जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था 400 मीटर की दौड़ में 1960 में. तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट. यस पैट केम द रिप्लाई. तरुण वॉज डाजल्ड. तो तरुण जो है वो अपना एक्साइटमेंट नहीं छुपा सका और उसको बहुत ज़्यादा हुआ. वो बोला कि यस, तो यस बोला राम नारायण की, हाँ मैं वही राम नारायण हूँ. और उसकी पीठ थपथपाई राम नारायण ने. तरुण एकदम खुश हो गया, आश्चर्य के साथ खुश हो गया कि अरे मैं तो राम नारायण से मिल लिया.